आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। क्या बोला है? अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 राइजेज अप इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ अ हाइट ऑफ गिवन डेट 10 सेंटीमीटर, वायर मर्करी कॉलम इन सेम ट्यूब डेट इज द 4 सेंटीमीटर। हमसे ये बोला है गाइज कि अगर लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 डिग्री है और मर्करी के लिए 135 डिग्री है, तो हमें ये बताना है रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी टू द डेट लिक्विड। अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मर्करी की भी दे के रखी है और कॉस 135 की वैल्यू भी दे के रखी है। सो लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में हम बात करते हैं तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का कंसेप्ट है और मर्करी ट्यूब में कैपिलरी इफेक्ट में जो भी राइज और फॉल होता है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं गाइस, तो हमें पता है कि किसी भी ट्यूब को जब हम किसी लिक्विड में ड्रिप करते हैं कैपिलरी ट्यूब को, तो उसमें होने वाला राइज या फॉल इज गिवन बाय दिस फार्मूला 2t cos थीटा अपॉन r dg, वेयर d इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर हम बात करते हैं गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं गिवन लिक्विड के लिए। अगर हम लिक्विड के लिए बात करते हैं तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेट इज द 0.8 है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इंटू हो जाएगी 1000, डेट इज द 800 और यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर लिक्विड में हम निकालें कि कितना मर्करी राइज हो रहा है, डेट कैन बी गिवन बाई H1E2T1, डेट इज द कॉस 0 डिग्री दिया है, डिवाइड ओवर अगर हम बात करें रेडियस की, तो रेडियस हमें क्या दे के रखी है, डेट इज द रेडियस सेम ट्यूब है, हमने रेडियस R कंसीडर किया और डेंसिटी कितनी है D1, जो कि 800 दी है और जी। तो गाइज यहाँ से अगर हम सरफेस टेंशन को देखें तो क्या आने वाला है T1, दिस कैन बी गिवन एच R D1G into H1 और डिवाइड में गाइज क्या आ जाएगा, डेट इज द 2 cos थीटा 1 और cos थीटा की वैल्यू cos 0 दिया है लिक्विड के लिए। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, T1 की वैल्यू, T1 वैल्यू हमारे पास आने वाली है H1 R D1G डिवाइड ओवर cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई 2, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फॉर मर्करी, तो मर्करी के लिए वैल्यू क्या होने वाली है, फॉर मर्करी की डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेट इज द 13.6 × 10³ यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे अगर मर्करी के लिए हम सरफेस टेंशन लिखना चाहेंगे, डेट T2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, ट्यूब वही है तो R तो सेम होगा, D2 इज द मर्करी तो D2 लिख दिया, G भी सेम होगा और हाइट कितनी है H2 अपान, अगर बात करते हैं डेट इज द 2 cos 135, हमें 135 एंगल दे के रखा है। गाइज हमें क्या पूछा है प्रॉब्लम में, हमें सरफेस टेंशन का रेशियो पूछा है, सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी टू लिक्विड, तो T2 है मर्करी का, तो रिक्वायर्ड हमें रिजल्ट चाहिए T2 upon T1, तो T2 upon T1 हम क्या लिखेंगे, R D2 H2G upon 2 cos 135 की वैल्यू गाइज क्या रखी है 0.71, तो 0.71 नेगेटिव साइन ये बताना चाहता है कि डिप्रेशन होगा, इसलिए हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर हम T1 की वैल्यू को पुट करें, डेट कैन बी रिटेन एज H1 R D1 G और डिवाइड ओवर कितना हो जाएगा गाइज 2, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं डेट R और D2 की वैल्यू हमारे पास है डेट इज द 13.6 × 10³ और मर्करी में अगर हम बात करें राइज की या फॉल की, डेट इज द 4 सेंटीमीटर, तो दिस कैन बी रिटेन एज 4 सेंटीमीटर इटवीन 4 × 10⁻²। डिवाइड ओवर अगर हम बात करते हैं, डेट इज द 2 × 0.71 और गाइज यहाँ पे ये डाटा 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये डिवाइड में आ जाएगा गाइज। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो डेट इज द 10 सेंटीमीटर, डेट 10 × 10⁻², और रेडियस हो जाएगी R, और अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं गाइज, तो डेंसिटी हमें कितनी दे के रखी है, डेट इज द 800, तो ये हो गई हमारे पास डेंसिटी इंटू जी। यहाँ पे वैल्यू जो कट रही है उसको कैंसिल आउट करते हैं, RG हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और गाइज यहाँ से अगर हम T2 upon T1 को कैलकुलेट करते हैं,
डेट कम 9.6 एंड रेशियो 1। तो नियर अबाउट ये हमारे पास सरफेस टेंशन की जो रेशियो की वैल्यू आ गई, डेट मर्क्यूरी टू लिक्विड 9.6 रेशियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।